सो हाय एवरीवन, ये जो आज का वीडियो है इसमें हम एक सिंपल सा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं पोलिटिशन एंड थीफ का। ठीक है, बड़ी स्पीड से देखेंगे, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, जैसे एक सिंपल सी मतलब नंबर लाइन के बारे में कुछ है छोटा सा। ठीक है, सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं, इन्होंने कहा क्या हुआ है। सिंपली कहा गया है कि द शेफ डिस्कवर्ड दैट हिज सीक्रेट रेसिपी हैज बीन स्टोलन, ही इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द थेफ्ट। ठीक है, इट इज नोन दैट द पुलिसमैन एंड द थीफ मूव ऑन द नंबर लाइन, यू आर गिवन दैट। मतलब इन शॉर्ट ये कहा गया है कि जो हमारा शेफ है उसकी सीक्रेट रेसिपी गुम हो गई है। ठीक है, तो उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, जो पुलिस है और जो हमारा थीफ है हमारा नंबर लाइन के ऊपर है। ठीक है, द इनिशियल एलोकेशन ऑफ द पुलिसमैन ऑन द नंबर लाइन इज एक्स एंड इज स्पीड इज 2 यूनिट्स पर सेकेंड। मतलब हमारी नंबर लाइन के ऊपर जो पुलिस है वो एक्स पोजीशन पे है और वो 2 यूनिट पर सेकेंड की स्पीड से आगे मूव कर रहा है। ठीक है, एंड द इनिशियल एलोकेशन ऑफ द थीफ ऑन द नंबर लाइन इज वाई, जो हमारा थीफ है वो हमारा वाई पे है एंड हिज स्पीड इज 1 यूनिट पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कितने टाइम बाद वो उसको कैच कर लेगा, सिंपल है। ठीक है, तो ये अगर आप देखें तो x हमारा मतलब यहाँ पर है और जो y है हमारा यहाँ पर है। ये जो लाइन जा रही है ये बेसिकली हमारी नंबर लाइन है। ठीक है, x की स्पीड है 2 यूनिट पर सेकेंड, y की स्पीड है 1 यूनिट पर सेकेंड। अगर इन दोनों को अगर मतलब x को y तक पहुँचना है, ठीक है, तो इन दोनों की जो मतलब रिलेटिव स्पीड है उसको उतने टाइम तक मतलब चलना पड़ेगा। उतने टाइम के बाद अगर y भी मूव कर रहा है x भी मूव कर रहा है तो उतने टाइम तक मतलब उतनी स्पीड से अगर वो डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, इन दोनों के बीच का, तो हम टाइम को निकाल सकते हैं इजीली। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें यहाँ पे है मतलब टाइम से, तो टाइम अगर हमें निकालना हो तो हम करेंगे डिस्टेंस डिवाइडेड बाई वेलोसिटी। अभी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस आएगा एब्सोल्यूट ऑफ द वाई माइनस एक्स। अभी वाई और एक्स का डिस्टेंस देखना है तो ऑब्वियसली वाई माइनस एक्स होगा। अभी बात आती है हमने यहाँ पे एब्सोल्यूट को लिया, एब्सोल्यूट हमने इसलिए लिया क्योंकि वाई जो है वो एक्स के आगे हो, ये कभी कंफर्म इन्होंने कहा नहीं है। इन्होंने ये नहीं कहा कि द वाई हैज ऑलवेज वैल्यू एट्स एज द ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स, नो। इन्होंने कहा है कि द वाई कुछ भी हो सकता है, ये एक्स के पीछे हो सकता है आगे हो सकता है। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, हमें वाई और एक्स के बीच का डिस्टेंस चाहिए, हमें नहीं मतलब पड़ता कि वो पीछे है कि आगे है, तो हम उसका एब्सोल्यूट ही ले लेंगे। फिर बात आती है वेलोसिटी की, तो मैंने अभी ऐसे कहा कि यहाँ पे मतलब रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव वेलोसिटी जो होगी वो होगी इसकी 1 यूनिट पर सेकेंड। तो एब्सोल्यूट ऑफ वाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ वाई माइनस एक्स, जो कि हमारा सिंपली आंसर होगा। इन शॉर्ट अगर इसको लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो एक पुलिस है एक थीफ है, पुलिस एक्स पे है थीफ वाई पे है। पुलिस ने थीफ को कैच करना है, पुलिस की स्पीड है 2 यूनिट पर सेकेंड और थीफ की है 1। दोनों की रिलेटिव आ गई 1, मतलब एक्स को 1 यूनिट एक्स्ट्रा मूव करना पड़ेगा टू कैच द थीफ एट वाई। अभी एक्स को एक्स माइनस वाई डिस्टेंस कवर करना है विद स्पीड ऑफ 1 यूनिट पर सेकेंड, सो उसको टाइम लगेगा एब्सोल्यूट ऑफ वाई माइनस एक्स, तो वही हमारा आंसर होगा। सो कोट करते हैं, बाकी ये इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स दिए हैं कि द नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 1 to 1000, x और y की वैल्यू -10^5 से 10^5 तक है। इससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो मतलब x और y है वो हमारा मतलब सिंपल इंट में भी आ जाएगा, हमें लॉन्ग लॉ यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसका कोड है। ठीक है, हमने x और y लिए, हमने इनका इनपुट लिया यहाँ पर, ठीक है, सिंपली इनका इनपुट लिया और एब्सोल्यूट निकाल लिया y माइनस एक्स। सो एक बार इसको सबमिट करके देख लेते हैं, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन, जस्ट बेसिक साइंस के बारे में पता होना चाहिए आपको, बेसिक साइंस, नथिंग एल्स। सो सबमिट हो गया। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रॉब्लम पुलिस एंड थीफ फ्रॉम द कोर्स शेफ स्टार्टर 35। सो होप यू लाइक इट, थैंक यू।